जने मन जाने हैं वे हाथ ऊपर करके बतावे कौन कौन मजा जाने पता पूछा ले। अरे देखिए ये जो गायन कला है ना, इसका जो मेन पॉइंट है, आधारशिला है, वो संगीत होता है। और संगीतकार मेरे लिए नए हैं, बिल्कुल मैं भी उनके लिए नया हूँ। तो प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे कि भाई थोड़ा मिल के चले, मन पीछे छोड़ के ना जाइए, ना पता बाकी नहीं जाए। सतगुरु के लाड़ लो, ये सत्संग का मेला, ये महापुरुषों का समागम बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत ही बड़े भाग्य से मिलता है। सत्संग में कठिन है आना और आके पड़ सो जाना। ध्यान दीजिए, हलवा चावल दाल रोटी बहुत निश्चित नरक में जाएंगे, चाहे साधु भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये मेरे घर की बात नहीं, श्रद्धानाथ जी महाराज जी नु कह सत्संग में कठिन है आना और आके पड़ सो जाना, जिन्होंने हरि का नाम बिसारा के ले जागा सोवणिया, सत्संग गंग की धारा कोई नहावेगा नहावणिया। और संख्या ज्यादा से ज्यादा हमें मात्र शक्ति की दिखाई दे रही है। और कुछ भाई तो आए, एक सिक्का लेके आया था, हर गणाई बढ़िया था, वहीं से बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। ठीक है, गुजारिश है जिस दिन सत्संग कराया करो उस दिन ना पिया करो। क्यों? क्योंकि जैसी स्टेज ऐसा ही बार फिर कर लिया करो, मना तो थारे हाथ में था, पैक तो हम कोसे नहीं, पर अंडा मीट दारू सुल्पा गांजा भांग धतूरा यू मनुष्य के लिए निषेध है प्रेमियों। किसी संत ने इसका बखान नहीं कराया, किसी भी संत ने इसका उपदेश नहीं करा, तुम ये खान पान करियो नहीं भाई। दो तीन सूत्र बतावेंगे, चाहे गुवाई हो या ना गुवाई हो, हमें कोई लोड नहीं पड़ रही, हमारे लिए तो दुनिया तरस है। पुसार में सत्संग छोड़ के आए हैं, अंडा मीट दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा जिस मनुष्य ने कर लिया वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, वो राक्षस है। एक बात, जिसके घर में बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, उनकी सेवा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है। यदि उनकी सेवा नहीं करी तो नाम चाहे कितने बड़े गुरु से ले लियो, नरक में जाओगे, संजय दास स्टाम्प पर लिख कर दे देगा। दो बात, तीसरी बात, अपनी नेक कमाई का दसवां हिस्सा महापुरुषों ने बताया कि तू सत्कर्म में लगाइए, पर दसवां नहीं तो बीसवां
पचासवा सोमा या हजारवा हिस्सा तो जरूर तू दान में लगा दिए, तेरे घर में बीमारी नहीं होगी। सतगुरु नाम लेते नहीं और करे दान में ढील, उनका धन खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। यह साखी सुनी नहीं होगी, पहली रोटी कुत्ते को दे दियो कदे अपने आप ही खा लो, और अतिथि सत्कार करियो, अतिथि देवो भवे, अतिथि देवता के समान है। प्रेमियों सत्संग के कुछ छोटे छोटे सूत्र बता रहे हैं, नहीं तो मनुष्य दरालिया नाम पशु के काम करे दिन राती और बिना पूंछ के ढोर, पूंछ नहीं लाग रही पर पशुओं तभी गिरे हुए कार्य मनुष्य के होंगे। तो हम आए हैं सतगुरु रविदास जी महाराज की स्टेज पर, कुछ उनकी गाथा बताते हैं कि वो कैसे थे हमारे संत, हम किन संतों की औलाद हैं और क्या कर रहे हैं, क्या थे हमारे इष्ट संत श्रोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज। जिस टाइम पर छुआछूत का बहुत बड़ा प्रपंच था, पूरब की हवा चलती थी, हमें पश्चिम में बैठाया जाता था, उस समय पर सतगुरु रविदास जी महाराज आए और उन्होंने मोर्चा तोड़ के खड़ा कर दिया। गंगा जी पे गए, इतने सुंदर थे गुरुदेव, रवि माने सूर्य होता है, वो वास्तव में सूर्य के समान दिखते थे। तो जिस टाइम संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज गंगा स्नान के लिए गए, तो वहां देख करके लोग विप्र कहने लगे, किसका राज दुलारा है, कितना सुंदर बालक है। और वहां क्या कहते हैं इस वाणी के अंदर बताएंगे, ध्यान से सुनिया, एक एक बोल आओगा। अरे सतगुरु के दरबार में नर जाइए बारंबार, बोली वस्तु लखाए दे सतगुरु है तातारी, सतगुर के दरबार में वो मेरी थर थर कांपते, ना जानो किस बोल पे मेरा बिगड़ जाए इसने, सारे इकट्ठी हो जाती है। उस साज की आवाज दो दो पॉइंट कम कर दे, दो दो पॉइंट घटा दे, मेरी बात भी तो जानी चाहिए मास्टर जी। हाँ यही से घटा लो, कोई बात नहीं। अरे या गंगा पे नान समोया, पीछे आदमी खड़े मैं इनको कह रहा थोड़ी साइड में लो, अरे या गंगा पे नान समोया, राजा तुम्हारा
नाड़ी के लिए बैठ गए और विप्र कहने लगे, अरे कितना सुंदर बालक गंगा जी पे आ गया, पर न्यू तो पूछ लो किस राजा का है यू। नू कहा गंगा पे नहाने संजोया, तू कितका राज दुलारा, कौन नगर घर गाम तेरा, क्या है नाम तुम्हारा, तू बता तू दे।
किस जननी ने जन्म दिया, चंद्रमासी शान तेरी, तेरे रूप के चमक लगे या बेमाता ने खूब गड़ी, और कैभूषण की लाई जड़ी देवी रूप तुम्हारा, देवताओं का रूप तेरा तो तू कोई साधारण इंसान नहीं है। अरे यार चैनल पर जागी भाई, यो चैनल यू मारा आदमी है, कोई ऐरा गहरा नहीं है मेरे प्यारे, यो चैनल पर जागी रविदास श्री हरिदास आश्रम टीवी चैनल का यू चैनल मास्टर मानिए। रही बात तू यहाँ आ जा मेरे दो रही नहीं ऐसा है ना, हाँ तेरी बात बढ़िया है, पर हम सब इसे कह की कथा वह सुनाएंगे जो ओरिजिनल है। बाबा जी मेरे पे गाल है यार, एक बात ही है, सतगुरु रविदास महाराज क्या जवाब दे रहे हैं विप्रो को सुनिए बड़े ध्यान से। हरे मा कर माने जल में दिया रे राहु पिता दादा हरि नंद रतन कोय दादा हरि नंद रतन कोय कर रे दास चमारा रे कोण नगर हरि राम रे प्यारे नाम तुम्हारा गंगा पर नाम सोया सारा दुनिया रे कोण नगर हरि राम रे प्यारे नाम तुम्हारा ओ माँ कर्मा ने जन्म दिया, राहु पिता हमारा है, काशी नगर मजार समझ ले, मांडू गांव हमारा है, दादा हरिनंद रतन कोर का पुत्र रैदास चमारा रे, मैं उनका पोता हूँ, रैदास मेरा नाम है, मैं चमार हूँ। वो बखान कर रहे हैं, जाग जाओ, आज डॉक्टर साहब ने मैं जागने का मौका दे रखा है, कलम हमारे हाथ में है, हम संविधान के रचयिता हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। अरे बाबा समनदास डंके की चोट में बता दिया, थारा आदि धर्म है, तुम अपने धर्म को हारी हो ना। तो प्रेमियों बुरे खान पान छोड़ के सात्विक आहार करो, अपने बाबा के अनुयायी बनो और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करो,
यो यही मारा सत्संग है। तो के कहने लगे सुन के नुगरे तो चमार है, दादा हरिनंद रतन कौर का पोत्र रैदास चमारा। फिर के कहने लगे ब्राह्मण सुनो तीसरी कड़ी में, वाह बेटे सबके अंदर सच्चा साईं, सबके
अंदर सच्चा स्वामी संदे दास पुकारा रे ओ नगर कर काम से महाराज जी की घोड़ी लात मार